ट्रैक्टर चढ़ना देखिए स्टार्ट हो चुका है। हेलो दोस्तों, स्वागत है परनामी बैग के चेक इन टेस्ट चैनल पर। आज फिर से आज रहा है एक और वीडियो के साथ। आज की जो वीडियो बेहद खास होने वाली है, मज़ेदार होने वाली है। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, क्योंकि आज हम इस लगेज के ऊपर चढ़ा रहे हैं ट्रैक्टर को। इसका जो वेट टेस्ट करने वाले हैं कि क्या ये इतना वेट सहन कर पाएगा या फिर ये बिल्कुल चिपकने वाला है। आज बनने वाली है इसकी चटनी, तो देखना है वीडियो में। इससे पहले भी आपने वीडियो देखी होगी, हमने इस लगेज को तीसरी मंजिल से गिराया था और तब इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा था। ना ही इसमें कोई व्हील में दिक्कत आई थी, ना ही कोई ट्रॉली के अंदर दिक्कत आई थी और ना ही इसमें कोई क्रैकिंग आई थी। तो आज की वीडियो में हम इसके ऊपर चढ़ाने वाले हैं ट्रैक्टर को। तो जब चैनल का नाम ही चेक एंड टेस्ट है तो चेक करना तो बनता है। तो आज इसको चेक करने वाले हैं कि कितना वेट ये सहन कर पाएगा। ट्रैक्टर के वेट की अगर मैं बात करूं तो लगभग 21 क्विंटल से भी ज़्यादा इस ट्रैक्टर का वेट होने वाला है। तो देखते हैं आज ये लगेज वेट को सहन कर पाएगा या नहीं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इसको करते हैं स्टार्ट। तो ट्रैक्टर जो है वो स्टार्ट हो चुका है और हम निकालते हैं ऊपर से। चलो ट्रैक्टर चढ़ना देखिए स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए ट्रैक्टर जो ये देखिए ट्रैक्टर जो वो चढ़ चुका है। बैग आप देख सकते हैं कि पूरा नीचे जो वो दब चुका है। ये देखिए बैग पूरा जो दब चुका है। अब आगे और चलाते हैं ट्रैक्टर को। चलिए भाई आगे चलिए और ये देखिए ट्रैक्टर जो वो चढ़ चुका है। बैग आप देख सकते हैं कि पूरा नीचे जो वो दब चुका है। ये देखिए बैग पूरा जो दब चुका है। अब आगे और चलाते हैं ट्रैक्टर को। चलिए भाई आगे चलिए और ये देखिए अब देखिए आगे का जो टायर है वो निकल चुका है। बैग हमारा पूरा जो है दब चुका है। अब पीछे के टायर को और निकालते हैं। चलिए पीछे का टायर आप देख सकते हैं कि चढ़ना स्टार्ट हो गया है। और अब देखिए पीछे का जो टायर है वो चढ़ चुका है बिल्कुल लगेज के ऊपर। आप देख सकते हैं कि पीछे का टायर है वो पूरा लगेज के ऊपर है। अब ट्रैक्टर को आगे चलाते हैं। चलिए आगे तो आगे निकल चुका है ट्रैक्टर। पीछे का टायर आप देख सकते हैं कि चलना स्टार्ट हो गया है। अब देखिए पीछे का जो टायर है वो चढ़ चुका है बिल्कुल लगेज के ऊपर। आप देख सकते हैं पीछे का टायर है वो पूरा लगेज के ऊपर है। अब ट्रैक्टर को आगे चलाते हैं। चलिए तो आगे निकल चुका है ट्रैक्टर। स्टार्ट हो गया है और अब देखिए पीछे का जो टायर है वो चढ़ चुका है बिल्कुल लगेज के ऊपर। आप देख सकते हैं तो आगे निकल चुका है ट्रैक्टर। आप देख सकते हैं कि लगेज का जो कंडीशन है वो थोड़ी खस्ता हो गई है। तो आप देख चुके हैं जो हमारा लगेज है वो देखिए बिल्कुल से यहाँ पे दब चुका है। ये देखिए यहाँ पे डेंट आ चुका है एक। अब इसको खोल के देखते हैं कि अंदर से ये कितना दबा है और कितना ये जो है डैमेज हुआ है। ये इसकी चेन है, खोल के इसको यहाँ से भी आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पे जो डेंट है वो आ गया है।
में भी ये सही तो अब नहीं होने वाला है, तो चैन खुलने में भी थोड़ी दिक्कत आ रही है, अभी चैन खुलने में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो पहले इस चैन तो इसकी जो है वो खुल चुकी है, अब चैन इसके बाद मैं आपको देखिए अंदर से इसको दिखाना चाहूँगा, दबा तो है ये बैग, इधर से जो है वो काफ़ी जो डेंट है वो आया हुआ है, ये देखिए ये काफ़ी डेंट आया, यहाँ से काफ़ी दब गया है ये, और उसके बाद में नीचे की साइड में भी वजन आने के कारण इसमें जो है डेंट थोड़ा बहुत वाइटनेस आई हुई है। ट्रॉली की बात करूँ तो ट्रॉली इसकी जो है वो सही से चल रही है अभी, और इस तरीके की इसकी जो हालत है वो हो चुकी है अब यूज़ करने लायक। तो ये मेरे हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा इसका जो इसके ऊपर जो वेट था वो लगभग 21 से 22 क्विंटल का जो वेट था वो इसके ऊपर से हमने निकाला है, तो वो निकालने के बाद जो इसकी हालत हुई है वो ये हुई है। लेकिन सबसे मज़े की बात ये है कि ये लगेज है जो इतना वेट आने के बाद भी क्रैकिंग कहीं से भी नहीं हुआ है, ये क्रैक आप देख सकते हैं कि क्रैक अभी तक भी नहीं हुआ है, दब चुका है पूरा, लेकिन इतना दबने के बाद भी इसमें क्रैकिंग नहीं आई है, कहीं से भी क्रैक ये नहीं हुआ है। हालत बेशक इसकी काफ़ी ख़राब हो चुकी है लेकिन क्रैक कहीं से भी ये नहीं हुआ है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ब्रांडेड लगेज लेने का यही फ़ायदा है कि कम से कम क्रैक नहीं होगा, चाहे वेट उसके कितना भी आ जाए, या हमने पिछली जो वीडियो थी उसमें ड्रॉप टेस्ट किया था, काफ़ी हाइट से इसको गिराया था तो भी ये जो लगेज है क्रैक नहीं हुआ है। अभी भी इसका पीछा हम नहीं छोड़ने वाले हैं, आगे की वीडियो में देखते रहिए इसके साथ क्या होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे परनामी बैग के चेक इन टेस्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।